नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड एनर्जाइज टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 7 सेमेस्टर 2 के यूनिट 3 की एक कहानी सच्चा हीरा के बारे में कहूंगी, तो गौर से सुनिएगा। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत थोड़ा कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है? वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा सादा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ, लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखते क्या हो, यही सच्चा हीरा है। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। तो देखा बच्चों, प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है।
આભાર. વિડિયોને લાઈક કરો, તમારા મિત્રોને શેર કરો અને આવો વધુ વિડિયો જોવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ.